नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका फिर से नए ब्लॉग में। मैं हूं अभी विक्रमशिला सेतु के पास और यहां देखिए नया पुल जो बन रहा है विक्रमशिला के समानांतर, यहां पे वर्कशॉप है उसका। और ये देखिए गाड़ियां आ रही है विक्रमशिला सेतु के ऊपर से। ये साइट है, कंस्ट्रक्शन साइट। देखिए नीचे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर काम कर रही है, ट्रक्स हैं और टावर क्रेन्स है। यहाँ पर भी एक पिलर बनाया जा रहा है। सामने देखिए गोलाकार शेप में गड्ढा किया हुआ है जिसे कि ढक दिया गया है ताकि कोई नीचे ना गिर जाए। और इधर देखिए ये पूरा वर्कशॉप है यहाँ पे। विक्रमशिला सेतु बिहार के पूर्वी क्षेत्र में बना हुआ है जो कि नवगछिया और भागलपुर को जोड़ता है, जिसका नाम विक्रमशिला महाविहार के नाम पर रखा गया, जिसकी स्थापना अंग देश के राजा धर्मपाल ने करवाई थी। इस सेतु का निर्माण 2001 में पूरा हुआ, इसे आम पब्लिक के लिए खोल दिया गया। यह बिहार के पूर्व के जिले बांका, भागलपुर, मुंगेर, दक्षिण क्षेत्र के जिले को उत्तर के जिले से जोड़ता है, जैसे मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार को जोड़ती है। क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। इसके ऊपर गाड़ियों के दबाव बढ़ जाने के कारण इसके समानांतर एक और पुल बना जा रहा है। इसका कंस्ट्रक्शन अपडेट मैं आप सबके बीच लेकर आया हूं इस चैनल के माध्यम से। तो आप सब पहली बार अगर चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। ये पूरा कंस्ट्रक्शन साइट है इस सेतु का, आप देख सकते हैं। ये उत्तर की ओर का कंस्ट्रक्शन व्यू है और यहाँ पे बहुत सारी इक्विपमेंट हैं, भारी भारी इक्विपमेंट जो कि इस पुल के निर्माण में उपयोग होता है। यहाँ क्रेन आप देख सकते हैं बहुत सारा, और पिलर के निर्माण में जो नीचे गड्ढा किया जाता है, ये देखिए यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ। ये वर्कशॉप है और यहाँ पे देखिए बहुत सारे चीज़ें यहाँ निर्माण की जा रही है, गर्डर वगैरह, लॉन्चिंग पैड भी यहाँ पर बनाया जा रहा है। ये नीचे देखिए पिलर है जिसका केसिन बनाया गया है नीचे की ओर, और इस क्रेन से नीचे का बालू निकाला जा रहा है आप देखिए। और यहाँ देखिए ये पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन साइट अभी अधूरा है और यहाँ पे अभी और सामान आना है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है इसका एक पिलर भी। ये देखिए केसिन इसका, और ये पूरा वर्कशॉप आप देख सकते हैं। जब इस पुल का निर्माण हो जाएगा दूसरे पुल का, तो इस पर गाड़ियों का दबाव कमेगा पुराने वाले सड़क पुल पर। इस पुल का उपयोग ज़्यादातर रेत ढोने के काम में आता है, जो कि दक्षिण के क्षेत्रों में बांका जैसे ज़िले में रेत की प्रचुर मात्रा है और झारखंड से भी रेत लाया जाता है। तो यह पुल बहुत ही उपयोग में है, जैसे झारखंड के भी कुछ ज़िले ऐसे हैं जो कि उत्तर बिहार में अपना व्यापार करते हैं वहां के व्यापारी। अब कंस्ट्रक्शन साइट की बात करें तो नीचे देखिए एक जेसीबी मशीन जो कि एक्सकवेटर है, सड़क बनाने का काम कर रही है। और ये देखिए फराना जा रही है बहुत तेज़ी से यहाँ से। ये एक तरह का क्रेन ही है जो कि मूवमेंट इसका बहुत फास्ट होता है, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। और फिर आगे चलते हैं यहाँ से। पुल के कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे सामान की ज़रूरत होती है, बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं, हैवी इक्विपमेंट। ये देखिए नीचे एक क्रेन खड़ी है, कंक्रीट वाली, कंक्रीट पहुँचाने का काम करती है। इसका मुख्य काम होता है नीचे से जो मिट्टी निकाली जाती है और नीचे जो ढलाई होती है ज़मीन के नीचे 20 मीटर 10 मीटर नीचे, वहाँ तक कंक्रीट को पहुँचाना होता है। अगर ज़्यादा ऊंचाई से कंक्रीट नीचे जाएगी तो जो एग्रीगेट जो पत्थर है वो सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है और सही से स्ट्रेंथ गेन नहीं कर पाता है पिलर। तो चलते हैं आगे की ओर। यहाँ से ये सतह पर आखिरी पिलर है और इसके बाद गंगा नदी शुरू हो जाती है। और यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है। यहाँ पानी में चलने वाला कंक्रीट मिक्सर है और क्रेन है इस पिलर पे काम कर रहा है। अब आगे चलते हैं यहाँ से। देखिए ये क्रेन आपको दिखाई दे रहा होगा, पानी में चलने वाला, और क्रेन भी है, कंक्रीट मिक्सर है, पानी में चलने वाला नाव वाला। यहाँ देखिए ये लोड टेस्टिंग हो रहा है बीचों बीच गंगा नदी के, और यहाँ लोड टेस्टिंग के बाद इसके ऊपर जो है और ऊपर कंक्रीट को जोड़ा जाएगा और फिर ऊपर पुल बनाया जाएगा। अब आगे चलते हैं यहाँ से। यहाँ भी एक पिलर पे काम हो रहा है देखिए, और ये दूसरी तरफ देखिए पूरा भरा हुआ, हरा भरा दिखाई दे रहा, अभी डूबा नहीं है। यहाँ देखिए ये नीचे पानी में चला गया है जिस पर लोड टेस्टिंग हो रहा था। अब आगे चलते हैं यहाँ से। ये देखिए गंगा नदी का दृश्य, और बहुत लोड है इस पर, देखिए लगातार गाड़ियाँ चलती रहती हैं। स्पीड लिमिट का बोर्ड लगा हुआ है आगे 20 किलोमीटर प्रति घंटे का। जितना भी पिलर बनना है यहाँ से पीछे बना हुआ है, और आगे जो है अब यहाँ पे खुदाई होना है, पहले खुदाई होगी उसके बाद ही पिलर बनना शुरू होगा। ये देखिए गंगा नदी का कितना सुंदर दृश्य है, और
बहुत ही विशाल नदी है, करीब 3 किलोमीटर चौड़ा है। यहाँ पे हम दूसरे छोर के नज़दीक पहुँच चुके हैं और यहाँ देखिए यहाँ पे पिलर बनाया जाएगा। ये देखिए जहाँ तहाँ केसिन डाल करके खुदाई की गई है मशीन से, ड्रिल मशीन होता है इसके लिए अलग से। और आगे यहाँ देखिए 2 पिलर बन चुका है लगभग, और ये टेस्टिंग होना बाकी है। टेस्टिंग हो करके फिर इसके ऊपर कंक्रीट जोड़ा जाएगा। यहाँ से देखिए पूरा गंगा नदी का दृश्य दिखाई दे रहा है और मस्त दिखाई दे रहा है, क्या बताऊँ, एकदम से सुंदर दृश्य है। और ये पुल का आखिरी छोर है, और इस पुल की बात करें तो ये बहुत ही उपयोगी साबित हुआ इस क्षेत्र के विकास में, पूर्वी बिहार के। ये आखिरी छोर पे ये वर्कशॉप है यहाँ पे, और आने वाले भविष्य में ये पुल बहुत ही उपयोगी होगा, इसलिए इसे 4 लेन बनाया जा रहा है। और आप सबसे विदा लेते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।